Well, all videos on, off videos will be out, Arushi. See, one very important thing I want to tell you, I told you just now. Now onwards, whenever there is paper and I am not there by any chance, main tha first batch mein to main tha, sab set wet karke gaya tha. But if I am not there in any by any chance, बैठो इधर बैठो आवे છે એટલે સુધી રિઝર્વેશન છે અહીંયા આવશે તો આવશે પછી બેસશે ત્યાં પણ ઇફ આઈ એમ નોટ દેર ઇન ધ ક્લાસ એન્ડ ઇફ એનીવન આર્ગ્યુઝ વિથ ધ સુપરવાઇઝર રિગાર્ડિંગ સ્ટેપલિંગ ઓર રિગાર્ડિંગ ગિવિંગ ધ પેપર ઓન ટાઈમ મે બોલ કે રખા હે વાપસ વો મેરે કો ફોન કરેગી ઓર પહેલે સે ઇન્સ્ટ્રક્શન દિયા હુઆ હે પેપર હી નહીં લેગા સ્ટેપલ નહીં કરવાયા ના પેપર લેગા હી નહીં તુમ લેકે જાઓ ઘર પે પેપર जो टाइम पे पेपर तुमको बोला है वो ही टाइम पे होना चाहिए, वही टाइम पे स्टेपल होना चाहिए. तुमको ऑलरेडी 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे दिया ही था. तुम्हारा पेपर 5:45 स्टार्ट हुआ था, 7:15 के ऊपर 7:30 तक तुमको टाइम मिल गया था लिखने का. 7:15 ही था एक्चुअली, 7 o'clock का पेपर था, 1 hour 15 minutes का पेपर था. 7:15 तक का टाइम था, 7:15 का 7:20 हो गया, फिर भी पेपर नहीं दे रहा है, स्टेपल नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन. शिफ्ट इन साइड. सो यू हैव टू कंप्लीट इट इन टाइम. अगर नहीं हुआ है तो स्टेपल करके उधर का उधर जैसा आए स्टेपलर करने को स्टेपलर करवा देने का. टाइम अप हो गया तो दे देने का चुपचाप. नॉट इवन अ सिंगल आर्ग्यूमेंट. बोर्ड में तुम्हारा 2 hour 3 hour का पेपर रहता है अकाउंट्स. 15 मिनट पहले तुमको आंसर शीट मिलता है. 3 hours का पेपर में 2 hours के बाद या टू एंड हाफ आवर्स के बाद सप्लीमेंट नहीं देता है वो लोग. एंड थ्रेड वेड सब तभी रख के जाता है, तभी का तभी 2.5 hour पे थ्रेडिंग करना पड़ता है तुमको सब बंद के. सो एक्चुअली वी स्टार्टेड द पेपर एट 7:50 5:50 था तो भी 7:05 का टाइम था. इट वॉज 1 hour 15 minutes. ऊपर 10 मिनट 7:15 हो गया, ऊपर और 5 मिनट 7:20 हो गया, 1.5 घंटा हो गया था पेपर का. तभी का मैं बात कर रहा हूँ. वन लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू ऑल, डू नॉट आर्ग्यू. जब जैसा पेपर का थ्रेड लगाने का टाइम आएगा स्टेपल, सी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इजी थिंग्स. Easy things are never going to come in my paper. Easy things are never going to come in your life also. Easy karega na, you are living in an illusion. Nothing is going to be easy. So, tumko aane wala hai, time mein tumko likhna hai. Jo time pe staple karne ka karna hai, time up ho gaya to paper deke jaane ka hai. Simple. Argument karega, paper nahi lega. Ghar pe leke jao. Jo karne ka karo paper ke saath. मैंने भी बोल के रखा है वापस कुछ होगा वापस शील कॉल मी इमीडिएटली. उधर का उधर ही मैं बोला है फोन कल. उससे एक मिस्टेक हो गया, खाली 6-7 जन जो लास्ट में बूमा बूम किया था, आवाज किया था, उसका नाम नहीं दिया मेरे को. नाम दिया होता तो अभी उनका पेपर मैं चेक करने वाला ही नहीं. खत्म उधर ही, ये टेस्ट से ही खत्म. वन मिस्टेक. आई टोल्ड हर सो मेनी टाइम्स यू शुड हैव टेकन द नेम्स. जोक चालू है क्या टेस्ट लिखने आता है तो. फर्स्ट बैच रोट इट वेरी क्लियरली, आराम से स्विफ्टली करके निकल गया ये लोग. मैं भी था 5:55 तब मैं भी था 5:55 आई लेफ्ट फ्रॉम क्लास. फर्स्ट बैच में कुछ इश्यू नहीं हुआ था. कम हियर शिफ्ट इनसाइड. टिल 5:55 नथिंग वाज देयर प्रॉब्लम. फर्स्ट बैच का हुआ भी नहीं कुछ, बवाल भी नहीं हुआ, आराम से चुपचाप पेपर देके सब लोग निकल गया था. सेकेंड बैच में भी लास्ट में मेरे को पता चला वॉचमैन नीचे वो लोग कुछ श्रावण चालू है और इसका जाप चालू था आई थिंक भगवत गीता का, और तुम लोग ऐसा घुमा घूम करके नीचे जा रहे हैं बिल्डिंग में. डज इट लुक गुड? राइट इट इन टाइम, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस हार्ड. और पूरा टाइम मिलता ही है स्टेपल करने के बाद. पेपर ले थोड़ी लेता है, टाइम मिलता ही है तो उसके बाद लिखने का, स्टेपल करने का ही. पहले जैसे आया थ्रेड स्टेपल जो भी है कंप्लीट कर लेने का, उसके बाद लिखते रहने का जितना लिखना. टाइम अप हो गया तो चुपचाप दे देने का. एक्स्ट्रा टाइम में तुम बोर्ड का 3 घंटे का पेपर तुमको आता है करके 4 घंटा 5 घंटा लेगा तो थोड़ी चलेगा ऐसा.
तुमको वही टाइम में करना है पेपर, ये टाइम का पेपर यही टाइम में होना चाहिए, 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 20, 1 आवर 25 मिनट, 1 आवर 25 मिनट में हो जाना चाहिए, जितना हुआ है उतना करके दे देने का। फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख के, एक्स्ट्रा टाइम में लिख के मतलब ही नहीं है, वही हो गया तुम फुकट का दूसरा जो पेपर का जो बैरोमीटर है ही नहीं उसके बाहर जाके तुम लिख रहे, दैट इज द मीनिंग। तो मार्क्स डजंट काउंट देन इन दैट सिचुएशन। इसलिए मैं बोलता है घर पे लिखा हुआ मार्क्स में कंसिडर ही नहीं करता है, घर पे तुम लिखो प्रैक्टिस करो खुद करो। टेस्ट मतलब ऑफलाइन, ऑफलाइन लिखा वही टेस्ट है, ऑनलाइन मतलब जीरो है, ऑनलाइन टेस्ट का वैल्यू इज जीरो। उसके लिए वो सब एनवायरनमेंट दिया है ना तुमको, वही होने वाला है प्रैक्टिकल बोर्ड्स में भी, टाइम प्रेशर आएगा, ये आएगा वो आएगा, यू विल आर्ग्यू और व्हाट विद द सुपरवाइजर, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दो, मेरे को थ्रेड नहीं करने का है, मैं बाद में करेगा, घर से थ्रेड लेके आया, घर से स्टेपलर लेके आया है, कुछ नहीं होने वाला है। थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। संभाल के जाओ, चलो लेट्स कंटिन्यू विथ एनपीओ। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर टू, सम नंबर टू ऑल ऑफ यू टेक। सेकेंड सम ऑल ऑफ यू टेक, सम नंबर टू। See, in NPO, basically, पहले तो what was an NPO? NPO was a non-profit organization, right? Non-profit organization. So, non-profit है मतलब profit is not the motive, correct? Profit is not the motive. So, what is the motive of the organization? Charity नहीं है, service है. Is this clear? What is the motive? It is service. Service मतलब क्या? तुमको जो भी members ने पैसा दिया है वो पैसे से जितना हो सके मेंबर का बेनिफिट करवाओ, मेंबर का बेनिफिट करवाओ। प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विसेज टू द मेंबर्स, प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विसेज टू द मेंबर्स। इज दिस क्लियर? सो दे डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट डू दे प्रिपेयर इंस्टेड ऑफ दैट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है, लाइक योर नॉर्मल बैलेंस शीट। Okay, in the question, what do they give you? In the question, do they give you a trial balance? Trial balance ke basis pe final account banana hai? Nahi, they give you what? Cash account. Receipt and payment account is nothing but cash account. Receipt and payment account is nothing but cash account. Last bench. Last bench. Go to last bench. Receipt and payment account is nothing but रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट योर कैश एंड बैंक अकाउंट। इज दिस क्लियर? कैश एंड बैंक अकाउंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैश बैंक अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? हमने तीन चार डिफरेंसेस देखे थे इन द लास्ट लेक्चर। क्या होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैश बैंक अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? कैश बैंक अकाउंट इट इज नॉट मेड ऑन अक्रूअल बेसिस, इट इज मेड ऑन कैश बेसिस, इट इज मेड ऑन कैश बेसिस। ओके, रियल अकाउंट है ये, नॉमिनल है वो तो है ही, एंड कैश इज मेड ऑन कैश, कैश बेसिस मतलब कैश आया कैश गया। तो आपको रिसीट पेमेंट में क्या दिखता है? जो रिसीट है ना वो पैसा आया, और पेमेंट मतलब उतना पैसा। वो पैसा किसके लिए आया? इनकम के लिए आया कि लायबिलिटी के लिए आया? लोन लेते तो भी पैसा आता है कि नहीं? लाइफ मेंबरशिप फीस लेते तो भी पैसा आता है, सब्सक्रिप्शन लेते तो भी पैसा आता है,
एंट्रेंस फीस लेते हो तो भी पैसा आता है, तो कैश अकाउंट वो देखता ही नहीं है कहां से पैसा आ रहा है या कहां पे पैसा जा रहा है, वो खाली देखता है पैसा आया, और पेमेंट्स मतलब पैसा गया। आप सैलरी पे करो तो भी पैसा गया, रेंट पे करो तो भी पैसा गया, इंश्योरेंस पे करो तो भी पैसा गया, और एसेट्स खरीदो तो भी पैसा गया, तो वो खाली कैश देखता है, कैश आया कैश गया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखता है? यू शो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर? नो, यू शो ओनली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? इनकम्स मतलब रेवेन्यू रिसीव शॉर्ट टर्म, जो हर साल आप अर्न करने वाले हो, और एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, जो हर साल आप स्पेंड करने वाले, जो हर साल आप अर्न करने वाले हो दैट्स योर इनकम, हर साल आप स्पेंड करने वाले हो दैट्स योर एक्सपेंस। ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या हर साल होंगे? बहुत रेयर परचेज एंड लेयर से, दे आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले, लॉन्ग टर्म पैसा बाना बाकी है, लॉन्ग टर्म में पैसा देना बाकी है, दैट्स योर एसेट एंड योर, एंड शॉर्ट टर्म वाला इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हर साल जो आपको पैसा मिलता है, हर साल जो आप स्पेंड करते हो, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता है, आई विल कम टू दैट। देन सेकेंड पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड वाज आफ्टर डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, एक तो ये है कैश है और उधर इधर लॉन्ग टर्म है एसेट्स लाइबिलिटी, उधर सब कुछ है, कैश में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबका बिल पूरी है, और इनकम एक्सपेंडिचर में खाली क्या दिखता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस, कैश एंड नॉन कैश। कैश अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन दिखता है? सिर्फ कैश वाला दिखता है, नॉन कैश आइटम्स दिखता है? डेप्रिसिएशन दिख सकता है? क्यों नहीं दिख सकता है? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू कैश होती है कि डेप्रिसिएशन टू एसेट होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट होती है, सम अदर एसेट इज डिक्रीज, राइट, तो वो भी कैश अकाउंट में दिखने वाला। तो कैश में क्या दिखता है? खाली कैश इनकम्स कैश एक्सपेंस, ओनली कैश इनकम्स, नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन कैश एक्सपेंस दिखता है? डेप्रिसिएशन नहीं दिखता है, लॉस बाय फायर फ्लड थेफ्ट नहीं दिखता है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखता है नहीं दिखता है, ये सब आइटम दिखते नहीं है। तो लॉस प्रॉफिट आपका डेप्रिसिएशन, दीज आर ऑल नॉन कैश आइटम, दीज आर ऑल नॉन कैश आइटम, यू विल नेवर फाइंड देम अंडर योर कैश, बट दे विल बी अ पार्ट ऑफ, हाँ दिखेगा कहाँ पे? आंसर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। उधर तो कैश इनकम, नॉन कैश इनकम, कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस सब कुछ दिखा है। देन वी सॉ कैश एंड अक्रूवल। कैश एंड अक्रूवल का मतलब क्या है? कैश एंड अक्रूवल, आपकी सैलरी 12,000 है और आपने पे किया 10, तो कैश अकाउंट में कितनी दिखेगी? कैश में कितनी दिखेगी? 10 ही दिखेगी, क्योंकि आपने पे कितनी की है? 10। 12,000 की सैलरी है बट यू हैव पेड ओनली 10,000, कैश में कितना दिखेगा? 10। बट पीएनएल में कितना दिखाना है? एक्सपेंस में कितना दिखाना है? 12। यू एड योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट? Why do you add? Because income and expenditure is not prepared on cash basis. It is prepared on accrual basis. Accrual मतलब क्या? Expense paid मत दिखाओ. Income and expenditure में expense paid नहीं दिखाना, क्या दिखाना? Expense incurred. Expense incurred. काम कितने का हुआ है? वो expense दिखाना है अपने को. तो आपने समझो साल की salary 12,000 है और आपने 14,000 pay कर दिया. तो आप क्या करोगे? Prepaid minus करके दिखाओगे 2,000. Yes or no? बट कैश अकाउंट में कितनी दिखेगी? कैश अकाउंट दिखाओगे, पीएनएल में कितना दिखाते हो आप? 12, 14 माइनस 2 करके दिखाते हो, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अक्रूवल एंड कैश। अक्रूवल मतलब जितना इनकर्ड है वो एक्सपेंस दिखाओ, और कैश मतलब जो पे किया और जो रिसीव किया, जो पे किया और जो रिसीव किया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने देखा था मेजर डिफरेंस के योर यर्स करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा एक्सपेंस और इनकम दिखता है? सिर्फ करंट ईयर का। बट रिसीव पेमेंट ऐसा कुछ भेदभाव करता है? वो तो खाली अप्रैल से लेकर मार्च तक जहां जो पैसा आया या जो पैसा गया, चाहे वो लास्ट ईयर का पैसा मिला हो, चाहे करंट ईयर का मिला हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का मिला हो, उससे कोई फर्क, चाहे लास्ट ईयर का दिया हो, करंट ईयर का दिया हो, नेक्स्ट ईयर का दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
So cash account does not, cash account is cash. Simple. Cash account is cash. ये साल में जितना रोकड़ा आया और जितना रोकड़ा गया, that is what is recorded in cash. इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है, वो खाली कैश नहीं देखता है, वो खाली क्या रिकॉर्ड करता है, करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंसेस एंड करंट ईयर का अर्न इनकम. करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेड, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकर्ड. करंट ईयर का इनकर्ड, इनकर्ड और पेड में फर्क है, समझ में आया? सैलरी इनकर्ड 12 है और पे 10 की है तो कितनी दिखानी है? 12. सैलरी इनकर्ड 12 है और पे 14 की है तो कितनी दिखानी? तो भी 12 ही दिखानी. इनकर्ड एक्सपेंस सैलरी इज 12 एंड यू हैव पेड 14, तो हाउ मच विल बी शोइंग? 12. सैलरी इज 12 एंड यू हैव पेड 10, स्टिल हाउ मच विल बी शोइंग? 12. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इनकर्ड एक्सपेंस, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इनकर्ड. काम कितने का हुआ है वो दिखता है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल शो ओनली इनकर्ड एक्सपेंस एंड अर्नड इनकम. व्हाट इट विल शो? Earned income, not received income. What it will show? Earned. कमाया कितना है? Say for example, एक organization है जिसमें 500 members हैं. How many members? 500 members, each paying a subscription of 100 rupees. तो total subscription कितना हुआ organization का? 50,000. आप सब 500 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के, आप हर साल कितना रुपया देते हो? 100 रुपया देते. तो इस साल भी आपको कितना देना है? 100 रुपया देना है. तो ऑर्गेनाइजेशन की कमाई हुई इनकम कितनी है? 50,000. सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है? 50,000. लेकिन बाय एनी चांस 10 मेंबर ने पैसा नहीं दिया है. कितने मेंबर ने? तो कितना पैसा नहीं मिला है आपको? 1,000 रुपया नहीं मिला है. लेट हो गया, नेक्स्ट ईयर देंगे शायद, ऐसा कुछ हो गया प्रॉब्लम. तो 1,000 रुपया आपको मिला नहीं है तो क्या आप बोल दोगे आपकी इनकम 49,000 है? नहीं, आपकी इनकम कितनी कंसिडर की जाएगी? 50. लेकिन कैश अकाउंट कितना दिखाएगा? ये फर्क है. कैश अकाउंट वो दिखाता है जो रोकड़ा आया. रोकड़ा कितना आया? 49. तो कैश अकाउंट में कितना दिखेगा? ओनली 49. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखेगा? 49 + 1 is called as what? ये वन को क्या कहा जाता है? रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग एड करके आप कितना बनाओगे इसको? 50,000. हाँ, आउटस्टैंडिंग इज अ कॉमन टर्म. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पेएबल और आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब रिसीवेबल. लाइबिलिटी नहीं, एसेट. इनकम है ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी. खाली आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाओ. आउटस्टैंडिंग है ना, कॉमन वर्ड है, दोनों के लिए वापरा जाता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है, या आउटस्टैंडिंग मतलब देना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी है. आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब देना बाकी. आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल, रेंट पेएबल. आउटस्टैंडिंग कमीशन पे मतलब एक्सपेंस है सपोज कोई चीज, और उसके बाजू में आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया है मतलब वो पेएबल. एक्सपेंस के बाजू में आउटस्टैंडिंग वर्ड है मतलब, इनकम के बाजू में आउटस्टैंडिंग वर्ड है मतलब. आउटस्टैंडिंग इज अ कॉमन वर्ड, कैन बी बोथ यूज फॉर बोथ एक्सपेंस एज वेल एज इनकम. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन क्या? पेएबल की रिसीवेबल. कैसा रिसीवेबल? क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है. लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी? पेएबल. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करके आप एसेट में दिखाते हो, बराबर है 1,000, और ये इनकम में कितना दिखाते हो आउटर कॉलम? 50,000. दिस 50,000 इज विच इनकम? रिसीव्ड इनकम की अर्नड इनकम? अर्नड इनकम. बट दिस 49,000 इज रिसीव्ड इनकम. बात समझ आई? दोनों में फर्क समझा? तो कैश अकाउंट में आपको दिखेगा 49, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको कन्वर्ट करके बनाना है उसको अर्नड इनकम. Earned income is 50,000. Is this clear? So that's what we are going to do over here. With the help of receipt and payment account, we will be making our income and expenditure and balance sheet. Balance sheet में क्या दिखता है? Assets and liabilities. Assets long term, short term. Liabilities long term, short term. What are the normal assets which you find in the organization? Charity, gym, khana trust. You will have furniture. You will have equipment, property.
इक्विपमेंट मशीन होगी, कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना नहीं है, और क्या होगा आपका मेनली तो यही होगा, फर्नीचर बिल्डिंग प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स राइट, लैंड और कैश इन हैंड। शॉर्ट टर्म एसेट में क्या क्या होगा आपके पास? शॉर्ट टर्म एसेट में कैश होगा, बैंक होगा और मटेरियल्स, इसमें पॉलिसी इन्वेस्टमेंट्स होता है। ओके ऑर्गेनाइजेशन के आपके बिल्डिंग का ही अकाउंट्स आप देखना, आपके बिल्डिंग में अगर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का पैसा हो गया ना जमा, आप हर महीने मेंटेनेंस देते हो और खर्चा हुआ नहीं, बच गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो वो पैसा क्या कर देगी? वो इन्वेस्ट कर देगी। और इन्वेस्टमेंट में ये शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एनपीओज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन शेयर, दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ओनली सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आइदर ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स आर अ टाइप ऑफ एसेट। और क्या एसेट आएगा शॉर्ट टर्म वाला? एक कैश है, बैंक है, नहीं, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म, आई एम आस्किंग नाउ अदर शॉर्ट टर्म एसेट, इन्वेस्टमेंट विल बी लॉन्ग टर्म, 4-5-6 साल वाला इन्वेस्टमेंट रहेगा। एनपीओ का गुडविल भी जनरली जनरेट होता नहीं है, क्योंकि गुडविल कब जनरेट होता है? जब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तब आप जनरेट करते हो गुडविल, राइट? यहाँ पे कोई अब्सॉर्ब करके खरीदने वाला है नहीं ना, क्योंकि क्यों, उसको कुछ प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं। व्हाई डू यू बाय एनी बिजनेस? यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम मोर प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, राइट? तो टेक ओवर वेक ओवर करने के लिए एनपीओ का गुडविल वुडविल कुछ काम, क्योंकि मोटिव क्या है? सर्विस ही है। वो अकेला एनपीओ काम कर रहा होगा कि उसको कोई खरीद के काम करे, काम तो वही होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा फायदा नुकसान होने वाला है? एनपीओस का प्राइवेटाइजेशन होता है? नहीं, एनपीओस आर ऑलवेज फॉर पब्लिक, प्राइवेट एनपीओ इन द सेंस प्राइवेट मेंबर्स बना के उसको करते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ऐसे प्राइवेट हो सकता है, बट प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं रहता, मोटिव इज ऑलवेज सर्विस। इज दिस क्लियर? जैसे रोटरी क्लब सुना है, ये रोटरी रोट्रैक ये सब प्राइवेट है, इसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कभी कभी देता है, नहीं तो गवर्नमेंट मोस्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, पब्लिक ही आपस में सोसाइटी मेंबर्स जो होते हैं वो लोग बना लेते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, विद्या विहार, ये सब देखा होगा तुमने, तो इसमें पैसा डालते हैं, ट्रेजरी ट्रस्टी वगैरह सब, और इसमें से खर्चा चलाते हैं, कभी कुछ फ्लड आ गया, कभी कुछ कैलामिटी आ गया, तो पैसा वैसा सब डोनेशन इकट्ठा करके चीजें खरीद के आप वहां पे लेके जाते हो, सेवा करते हो, मदद करते हो। इज दिस क्लियर? सो I'll come to the doubts. Assets में कौन सा asset है? पहला तो furniture, building, property, equipment, investments. Investments shares में allowed? नहीं है. Policy, joint life policy ऐसा कुछ concept नहीं है यहाँ पे. किसका policy निकालो? इतने सारे members है, थोड़ी policy निकालते बैठे हो गया. हाँ वो insurance policy होता है, but वो insurance policy asset में नहीं दिखता. Only life insurance, joint life policy होता है ना, that is shown as an asset. This is all general insurance. This is all जनरल इंश्योरेंस का कभी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता, याद रखना। जब आपने फर्नीचर का इंश्योरेंस निकलवाया फॉर एग्जांपल, या बिल्डिंग का इंश्योरेंस निकलवाया, आप उस पे क्या कर रहे हो? प्रीमियम पे कर रहे हो हर साल। आप बोलोगे कि 10 साल का प्रीमियम पे किया, मेरे को पॉलिसी डिसकंटिन्यू करनी है, कुछ पैसे वापस दो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। जनरल इंश्योरेंस मतलब गया, जो पैसा गया वो गया, वापस मिलने वाला नहीं। इज दिस क्लियर? So keep that in mind, general insurance में कोई surrender value नहीं होता, okay? That is possible only in case of life insurance, okay? Joint life policy जो हमने देखी थी वहां अभी अभी देखा ना, dissolution. Joint life policy is a life policy. Life policy का surrender value रहता है, general insurance में कोई surrender value आपको मिलने वाला नहीं है। कुछ destroy हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? Claim मिल जाएगा। फिर short term assets, what are short term assets? Income receivable, prepaid expense, right? Prepaid expense and income receivable. Stock of stationery, stock of postage, stock of bar stock, stationery stock, cricket material stock, हमने देखा था last time. Stock मतलब prepaid. ये बच गया है, कब काम आने वाला है? Next. So they are all called as your current asset. On the liability side, generally NPOs loans नहीं लेते. हो सकता है लें, लेकिन वेरी रेयर थिंग। तो लोन्स अगर आया तो लोन्स किधर दिखेगा आपको?
लायबिलिटी। बाकी मेजर लायबिलिटी क्या होगा एनपीओ का, मेजर लायबिलिटी इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? इंटरनल। इंटरनल मतलब कहां से आया हुआ पैसा है? मेंबर्स। जैसे कैपिटल होता है ना सोल प्रोप्राइटर में, सोल और पार्टनरशिप में कौन लाता है पैसा? पार्टनर और ओनर। यहाँ पे ओनर कौन है? मेंबर। तो मेंबर जो पैसा लेके आते हैं उससे क्या बनाते हो आप? कैपिटल फंड। उससे आप क्या बनाते हो? कैपिटल फंड। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आई, एंट्रेंस फीस आई, आपका लेगेसीज आ गए, डोनेशंस आ गए, इन सब की मदद से क्या बन जाएगा आपका? कैपिटल फंड। इज दिस क्लियर? दैट विल बी योर बिगेस्ट इंटरनल लाइबिलिटी, दैट विल बी योर बिगेस्ट इंटरनल लाइबिलिटी। लोन हो सकता है बट वेरी रेयर। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या होगा? जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था तो यहाँ पे क्या दिखेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीवेबल है तो यहाँ पे क्या दिखेगा? प्री रिसीव्ड इनकम। तो यही मोटा मोटी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। यस, कम टू द डाउट। हो सकते हैं चैरिटेबल बेसिस पे कर रहे हो तो मशीन, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग वाला मशीन नहीं है, इक्विपमेंट कहा जाता है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट। हॉस्पिटल होता है ना चैरिटेबल, तो ECG जो भी आपका स्कैनिंग वैनिंग का है, दे आर कॉल्ड हॉस्पिटल इक्विपमेंट। यस सर, आपने बोला कि एनपीओ का गुडविल नहीं होता है, बट जैसे बहुत जैसे इस्कॉन जैसा अगर कोई एनपीओ एनपीओ हुआ एंड इट अक्वायर्स समथिंग, तो उसका गुडविल कंसीडरेशन में नहीं आएगा? वही मैं बोल रहा हूँ ना, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ व्हाट? तुमने गुडविल कैलकुलेट किया है? प्रॉफिट। तो तुम प्रॉफिट मोटिव से काम ही नहीं कर रहे हो, जब बिजनेस में प्रॉफिट्स है ही नहीं तो तुम क्यों एक्स्ट्रा प्रीमियम दोगे किसी चीज को? फॉर एग्जाम्पल, एक एनजीओ काम कर रहा है यहाँ पे विक्रोली एरिया में, मेरा भी एनजीओ है, उसका भी एनजीओ है, ठीक है? वो एनजीओ का एसेट्स माइनस लायबिलिटी मिला के 10 लाख रुपया होता है नेट अमाउंट, ओके? तो अब मैं वो एनजीओ को खरीदूंगा, तो व्हाई शुड आई पे एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउट 10 लाख? आई विल पे ओनली 10 लाख। जो वैसे वो काम कर रहा है वो मेरे साथ भी वही काम होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा फायदे का मोटिव ही नहीं है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम काय को देगा कोई? समझा सर? गुडविल का कोई कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। हाँ बोलो सर। आपने बोला कि एनपीओ टेक अ लोन, तो उसके लिए मेंबर से एक्स्ट्रा लेते हैं कि उसमें से? नहीं, मेंबर से जो लिया वो लोन नहीं है गाइस, जो लोन लेता है ना। नहीं नहीं नहीं, बट अगर लोन लिया तो उसका इंस्टॉलमेंट्स तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऑब्वियसली देना है। तो वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेंबर से पैसा लेते हैं क्या अगर उतना डोनेशन नहीं है? वही करना पड़ेगा ना, और कोई रास्ता ही नहीं है। मेन सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आता है एनपीओ को? ओनर का पैसा, और वही मेन ओनर का ही पैसा ना, मेंबर्स का पैसा। तो लोन लिया है तो लोन चुकाने के लिए उसको क्या, कहाँ से चुकाएगा लोन? सरप्लस से चुकाएगा। तो सरप्लस कहाँ से जनरेट होएगा? मेंबर्स के पैसों से होएगा। इज दिस क्लियर? यस। वही मैं बोल रहा हूँ ना, डोनेशन भले ही वो अकेला अपने नाम पे जो चल रहा है वही चल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि एनपीओ तुमको बेचेगा, बोलेगा मेरे को इतना प्रीमियम दो, मेरे को प्रॉफिट दो, मेरे नाम का पैसा है। तुम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, इसलिए तुमको वो नाम वाम का वैल्यू दिख रहा है। वो पॉलिटिशियंस का पैसा है ना, दैट इज दो नंबर का। गवर्नमेंट तुमको पार्टी प्रमोट करने के लिए कोई एनजीओ लेना है तो वो बैक एंड से पैसा दे देगा उसको एक्स्ट्रा। जैसे अभी ये चाइल्ड रिलीफ फंड है, क्राय वाला ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर तुम्हारा वो आता है ना केट्टो वेट्टो, क्या आता है घड़ी घड़ी केट्टो के, क्या नाम है उसका, केट्टो डोनेशन वाला, केट्टो है ना, क्या है? हाँ, घूमते रहता है केट्टो.org करके एक है, देगा हुआ बहुत बार, वो पेशेंट्स दिखाता है और इनको जरूरत है, इनको जरूरत है, होता है ना ऐसा? या सो ऐसा से इसके साथ तुमने अटैच किया अपने फायदे के लिए, तो बैक एंड से तुम पैसा दे देता है पॉलिटिशियन लोगों से, बट इट्स नॉट लीगल। एनजीओ का मोटिव क्या है? साधु। एनजीओ आर नेवर, मोह माया नहीं है उसको प्रॉफिट का। तो नॉर्मल लीगल वे से तुम कभी गुडविल देने वाला नहीं हो। हाँ, तुम्हारा खुराफाती दिमाग है कि हाँ ये एनजीओ से मैं ज्यादा कमाएगा, ज्यादा डोनेशन मिलेगा, इधर देगा,
तो थोड़ा मलाई में भी मारेगा, थोड़ा मलाई उसको भी देगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो बैक एंड से देते हो, प्रैक्टिकली गुडविल का कोई चीज यहाँ पे होता इंटरेस्ट, दैट इज द इनकम। ये मैं यही बोल रहा हूँ यार, तू वापस तू प्रॉफिट मोटिव पे देख रहा है कि यार मैं एनजीओ में इन्वेस्ट करेगा तो उधर इन्वेस्टमेंट होएगा, उसका ब्याज आएगा वो मेरे को। तू जो दे रहा है ना पैसा, तू भूल जा, हो गया, अभी तेरे को वापस मिलने वाला वही भावना। तुम किसी को डोनेशन देता है तो सोच के रखता है क्या ये बंद होएगा, मेरे को डोनेशन का 10,000 दिया है, 15,000 वापस मिलेगा, 16,000 वापस मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, डोनेशंस आर आउट ऑफ चैरिटी विल। हो गया वापस आने वाला नहीं। तो ये सब पैसा है ना, जो भी इंटरेस्ट वगैरह आता है ना, ये एनपीओ के ही सर्विसेज में यूज हो जाता है। अभी नासिक में तुमको शिरडी में मालूम है बड़ा साईं बाबा का मंदिर है, लैक्स एंड क्रोर्स, इवन इन तिरुपति बालाजी लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑफ डोनेशंस दे गए, दान पेटी, सोना, सो मेनी एसेट्स दे गए। व्हाट डू दे डू, वो कोई मलाई लेके खाता नहीं है उधर, वो लोग क्या करते हैं और सेवा, किचन बनाया, कितना बड़ा किचन बनाया आपको मालूम है शिरडी में, एवरी डे इट सर्व्स 10,000 पीपल। एशिया का सॉरी हाँ गोल्डन टेम्पल, 1,00,000 पीपल पर डे लंगर दे गिव, एंड सो मेनी डोनेशन दे गेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्डन टेम्पल। लेकिन उसका जो मैनेजिंग ट्रस्टी ओनर, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं यूएसए में बंगला बनाएगा, लोनावला में बंगला बनाएगा। मोटिव इज नॉट दैट, जो भी ना ही कोई मेंबर ऐसा सोचता है कि मैं पैसा ले लेगा मेरे को ज्यादा मिलेगा। जो भी पैसा आता है ना, दे विल यूज एंड यूज टू डू मोर एंड मोर। यार पहले खाली 1,00,000 को लंगर देते थे, अभी एरिया एरिया में जाके लंगर सेटअप करेंगे। वर्ल्ड ओवर दे हैव वॉलंटियर्स, दे विल प्रोवाइड फ्री फूड एट द टाइम ऑफ कैलामिटीज, ड्रॉट्स वगैरह वगैरह, सर्विस सर्विस सर्विस, ऑल मनीज विल गो इन। किचन बनाया इधर, वो बड़ा किचन बनाएगा, और बड़ा बनाएगा, और ज्यादा दान पुण्य करेगा, वैसा करेगा। तो वो कर ही नहीं सकता है प्रॉफिट में कुछ भी, उसको करना है तो भी नहीं कर सकता है। एनजीओ बंद हो जाएगा, पब्लिक का ट्रस्ट निकल जाएगा, एक को भी भनक लग गई इधर झोल चालू है, वर्ड विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये एनजीओ चोर है, ये करता है आशाराम जी बापू बाद में वो MSG मैसेंजर ऑफ गॉड राम रहीम सिंह, ऑल दीज वेर रनिंग एनजीओ, डेरा सच्चा सौदा वॉज अ सो सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल, डेरा सच्चा सौदा यू डोंट नो दैट MSG, और सब कुछ एक पिक्चर में सब पिक्चर बनाया फिर वो, अरे वो पकड़ा उसको बाद में मोलेस्टेशन केस, डोंट नो राम रहीम, राम रहीम वॉज दैट पर्सन, डेरा सच्चा सौदा वॉज इज ऑर्गेनाइजेशन। सो सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन पता चला फ्रॉडुलेंट मोटिव, सब बंद, अभी है भी नहीं, 1 रुपया नहीं मिलने वाला उसको, जेल में वो, ऑर्गेनाइजेशन भी बंद होने वाला है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। ओके, सो मोटिव याद रखो अपना, मोटिव इज इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत जन है ऐसा। तुम है ना झोली करो एनपीओ में भी, जो शुद्ध चीज है उसको भी भ्रष्ट करो। सेकेंड वन, तुम करो ना धंधा, रजिस्टर एज पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, उसमें करो प्रॉफिट, गुडविल जो भी करना है बोलो। हाँ, सडनली सर्विस में आना इज अ डिफिकल्ट। चलो कमिंग बैक टू सम नंबर टू, ऑल ऑफ यू मार्क डाउन सम नंबर टू में मार्किंग करो, स्टार्ट विथ पेमेंट साइड, पेमेंट साइड से सब लोग मार्क करो फटाफट, पेमेंट साइड से ऑल ऑफ यू स्टार्ट मार्किंग। ये मुझे पहली चीज बताओ, कैश अकाउंट है बराबर है, तो कैश में कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर, दिस इज द फर्स्ट, तो लास्ट ईयर का कोई डेटा आने वाला। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कब खरीदा, एसेट में जाएगा, कब खरीदा, पहले डेट पे, कहां से खरीदा, पैसा तो था नहीं, कैपिटल फंड कहां से बना, इधर दिख रहा है आपको डोनेशन, एंट्रेंस फीस, वो तो क्लोजिंग है, 6-7 इज अवर करंट ईयर, तो 1406 को इट वॉज जीरो, मतलब शुरू करते वक्त रोकड़ा था क्या, नहीं था, तो बिल्डिंग कहां से खरीदा, हवा में से खरीदा,
ये सब आ रहा है ना रिसीट में, ये सब आया रहेगा पैसा, इस पैसे से तुमने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग विल गो टू योर एसेट। टूर्नामेंट एक्सपेंस चेक, डू यू हैव एनी टूर्नामेंट फंड? फंड का मतलब क्या, इज इट अ रेगुलर रिसीट और एन अनसर्टेन रिसीट? अनसर्टेन, घड़ी घड़ी आने वाला, कोई भी फंड दिखेगा किधर डाल देने का, इनकम की लायबिलिटी, लायबिलिटी दैट विल गो टू लायबिलिटी। एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस क्या करने का, फंड में से माइनस फ्रॉम लायबिलिटी। क्यों इसको इनकम एक्सपेंस में नहीं दिखाया, क्योंकि ये रेगुलर रिसीट और पेमेंट नहीं है, हर साल का इनकम एक्सपेंस नहीं है। इज दिस क्लियर? इरेग्युलर है। हाँ, टूर्नामेंट फंड के जगह टूर्नामेंट रिसीट होता, टूर्नामेंट फंड के जगह टूर्नामेंट रिसीट, मतलब वो हर साल आएगा, तो उसको इनकम में डालो और टूर्नामेंट एक्सपेंस को एक्सपेंस में डालो। इज दिस क्लियर? फंड, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंस, लायबिलिटी और लायबिलिटी से माइनस, एल माइनस उधर लिखना, एल माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस। फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, मैंने आपको बताया था मटेरियल कैन बी बोथ एसेट एज वेल एज एक्सपेंस। आपको दो चीज सर्च करनी है, क्या? डेप्रिसिएशन या सेल। डेप्री या सेल किस पे होता है? एसेट पे। तो चेक करो कुछ दिया है क्या डेप्री या सेल, स्पोर्ट्स मटेरियल पे। अरे तो पढ़ो क्या दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल कैंटीन स्टॉक आर वैल्यूड एट सो एंड सो। स्टॉक है, स्टॉक, स्टॉक मतलब प्रीपेड, स्टॉक नहीं, नहीं स्टॉक मतलब प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। कल किया था ना क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, व्हाट डू यू डू विथ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स। स्टॉक मतलब उतना प्रीपेड एक्सपेंस बच गया है तुम्हारा जो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। स्टॉक, स्टॉक विल गो इन एसेट, बट स्पोर्ट्स मटेरियल जो ऊपर वाला है ना, इसका मतलब क्या, 1200 का आपने खरीदा ना, उसमें से कितना बच गया आपका, 750 बच गया, 1200 रुपए। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेज एक ही है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है ना, वो एक ही आइटम है। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, कितने का खरीदा है, 1200 का, और एंड में कितने का हो गया है, 750 का। कैन यू सी दैट, एंड में हो गया है 750 का, मतलब 750 क्या है, वो स्टॉक है, स्टॉक उतना बच गया प्रीपेड, कब काम आएगा, नेक्स्ट ईयर। तो प्रीपेड एक्सपेंस किस पे होता है, एसेट पे होता है कि एक्सपेंस पे होता है? प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज स्टेशनरी, what is stock of stationery? Prepaid stationery. So what will you take your sports material as? Will you consider them as assets or expense? Expense में दिखाने का sports material, और उसमें से कितना prepaid कितना है, 750, उसको minus करो और वो किधर जाएगा, assets में। Got it? तो ऊपर वाला 1200 asset में नहीं दिखाने का, ऊपर वाला 1200 किधर जाएगा, expense में। उसको एसेट में कब दिखाने का, ऊपर वाले 1200 को कब एसेट में दिखाने का, जब डेप्रिसिएशन या सेल दिया होगा तब। समझा? सेल या डेप्रिसिएशन दिया है ना, जैसे कि फर्नीचर है, देखो नीचे दिया है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर किधर उठा के डाल देते हो आप, एसेट। वैसे स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्री होता तो उसको डाल देने का एसेट, और फिर डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? थियोरी के लिए याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इट इज वेरी सिंपल। लंबा चल रहा है जॉली जिम खाना, क्रिकेट 10 साल तक वापर रहा है, तो ऐसे हर साल ले रहा है क्रिकेट गुड्स, हर साल ले रहा है, तो दैट बिकम्स योर एक्सपेंस। नाउ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस आर एक्सपेंस इन दिस केस बिकॉज देयर इज नो सेल और नो डेप्रिसिएशन। सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस इंक्लूडिंग परचेजेस, इसका भी स्टॉक दिया आपको, दिख रहा है कैंटीन का भी स्टॉक है, वो प्रीपेड है, एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो 4% इंडिकेट्स एसेट है, बट 4% इंडिकेट्स हिडन एडजस्टमेंट। करते थे याद है फाइनल अकाउंट में, कैलकुलेट चेक एंड कंपेयर, वही करना है यहाँ पे वापस। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश, वो क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक एसेट, मतलब वो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, लास्ट में आपका इतना बैंक में बचा, इतना कैश में। कैश एंड बैंक का समरी है रिसीट पेमेंट, सो बोथ आर एसेट। यस,
एफडी में भी रख सकते हो, उसपे जो इंटरेस्ट है वो, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है, एफडी है, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, सब पे आपको इंटरेस्ट मिले। कैश ऑन हैंड ओपनिंग दोनों बना सकता है। करंट जनरली दे में बड़ा ट्रांजैक्शन होता है ना, वॉल्यूम ज्यादा होता है इसके लिए। छोटा एनपीओ तो सेविंग्स भी बना सकता है। एनपीओ को जनरली ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना खर्चा वर्चा सब देख के ही करता है। कभी कभार करंट अकाउंट है तो उसमें वो लोग फैसिलिटी ले सकता है, अच्छा रिलेशन है बैंक के साथ, कुछ अर्जेंट नीड आ गया, जैसे कोंकन वोंकन में आ गया, पैसा वैसा देना पड़ेगा तो ओवरड्राफ्ट ले सकता है, और चुकाना पड़ेगा फटाक से। कुछ एनपीओ है ना, ज्यादा रिस्क लेता, ज्यादा लिमिट के बाहर जाता नहीं है, क्योंकि उनका क्या मोटिव, प्रॉफिट तो है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ तो मिलने वाला है नहीं, राइट। तो जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसी के अंदर रह के वो लोग काम करता है, कि लोन लेने की जरूरत ना पड़े, ओडी लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि ज्यादा एकदम दान धर्म करने का तो खर्चते जाओ, पैसा आया नहीं है तो कहां से खर्चोगे, और कोई अपने जेब से देने वाला है नहीं। तो दे वर्क वेरी कंजर्वेटिव, उनका इन्वेस्टमेंट भी एकदम एफडी 6% 4% मिला तो भी चलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड, खाली पैसा सेफ रखना है, उनका मोटिव एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना नहीं। नेक्स्ट वन, कैश ऑन हैंड। व्हाट इज कैश ऑन हैंड ओपनिंग बैलेंस? जीरो। जीरो मतलब इंडिकेट्स दैट दिस इज द फर्स्ट ईयर, का ही नहीं, कैश ऑन हैंड ओपनिंग बैलेंस किधर भी नहीं जाएगा, जीरो रुपीज। डोनेशंस 25,000 कभी मिला आपको? ये साल मिला। अब उसके बारे में पढ़ो, इन्फॉर्मेशन पढ़ो नीचे। पॉइंट डी, पॉइंट डी, कैपिटलाइज डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस एंड 50% ऑफ। इसका मतलब क्या, कैपिटलाइज डोनेशन मतलब क्या? इज इट अ कैपिटल रिसीट और अ रेवेन्यू रिसीट? विल यू रिसीव इट एवरी ईयर घड़ी घड़ी के वंस? तो किधर ऐड करना है उसको? कैपिटल फंड में। Add to capital fund. Entrance fees के बारे में क्या बोला है? मतलब आधा capital fund में और आधा income. आधा capital fund, आधा income. Tournament fund तो liability है. Subscriptions क्या है? कभी liability हो सकती है capital fund में? हमेशा RR होता है. Subscription is always RR. RR मंजे revenue receipt. चार आइटम हमेशा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो चार आइटम रेवेन्यू होता है। व्हाट वाज द शॉर्टकट? सैड जी। व्हाट इज सैड जी? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दिया है, डोनेशन को कैपिटलाइज करो, एंट्रेंस फीस आधा आधा करो, फिर सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इनकम, कैंटीन रिसीट्स इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम, क्रिकेट डिपार्टमेंट फीस इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में दिया है, क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड, सीएफ प्लस, ओके, कैपिटल फंड में ऐड, सीएफ में ऐड। व्हाई ऐड? बिकॉज वी आर सपोज टू कैपिटलाइज इट। कम टू द एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शंस इनकम, रिसीट सब इनकम, नॉर्मल रिसीट सब इनकम, फंड दिया ना फंड तो वन टाइम लाइबिलिटी में डाल के एक्सपेंस माइनस। सब्सक्रिप्शन 450 आर आउटस्टैंडिंग ऑन 31। आउटस्टैंडिंग बोल के कूद मत जाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है वो क्या है? इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? 450 मिलना बाकी है, बोलो क्या करेगा? एड टू सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट? लाइबिलिटी की एसेट, 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 एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। सब्सक्रिप्शन ऑफ 125 रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड है, क्या करने का? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लायबिलिटी। एडवांस में आ गया है, बेनिफिट देना। कोई कोई मेंबर नेक्स्ट ईयर का, ये कौन से साल की इनकम है जो रिसीव्ड इन एडवांस है? रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस नेक्स्ट ईयर की, इसलिए माइनस करो। और रिसीवेबल कौन से साल की है? करंट ईयर। रिसीवेबल एड करो, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस। What is the second effect of receivable? Asset. मिलना बाकी है और received in advance? Liability. Liability. बराबर है, देना, benefit देना बाकी। Next year का income है। Outstanding salary. क्या करोगे outstanding salary? Add to salary and liability. Prepaid. सुभावित है सब। हाँ।
prepaid insurance as on 31st March were 30 rupees. What are the two effects of prepaid insurance? Subtract from insurance asset. Less from insurance and asset. ऊपर देखो कितना इंश्योरेंस दिख रहा है आपको, ऊपर कितना इंश्योरेंस दिख रहा है आपको, 120 रुपीज। क्या वो 120 पूरा ये साल का एक्सपेंस है? नहीं, उसमें से 30 नेक्स्ट ईयर का है, इसके लिए माइनस किया और ऐसे 90 करंट ईयर का है। ओके, इनकर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर लिखते वक्त 120 माइनस 30 करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड कैंटीन स्टॉक, स्टॉक मतलब प्रीपेड, लेस फ्रॉम क्वाइट, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स, लेस फ्रॉम कैंटीन एंड व्हाट एसेट। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड बिल्डिंग, क्या करना है? लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर। नाउ देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ यू मेक अ वर्किंग नोट फॉर दैट हिडन एडजस्टमेंट। देखो वर्किंग नोट फॉर 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना दिया है? 6000। मेरे को बताओ कितने टाइम का इंटरेस्ट लोगे? हाउ मेनी मंथ्स विल यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट? 12 मंथ्स। बी क्वाइट। 6000 पे 4% फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 240। व्हाट वाज योर सेकंड स्टेप? कैलकुलेट देन, चेक। व्हाट डू यू चेक? हैव यू रिसीव, चेक करो रिसीट साइड, हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट? लेस इंटरेस्ट रिसीव इज 120, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज दैट 120? इंटरेस्ट 120 क्या बन जाएगा? रिसीवेबल। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल? Add to interest and assets. Add to interest and assets. Give the dots. Put a dot, two dots on subscriptions. Salary one dot. Insurance one dot. Donation and life membership fees one dot. Entrance fees also one. Breakup evo. स्पोर्ट्स मटेरियल एंड कैंटीन 11 डॉट, प्रीपेड है। फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग 11 डॉट, डेप्रिसिएशन। आई विल रिपीट द डॉट्स। रिसीट साइड पे है डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन पे दो डॉट और लाइफ मेंबरशिप फीस 1 डॉट। पेमेंट साइड पे है बिल्डिंग पर एक है, फर्नीचर एक है, स्पोर्ट्स मटेरियल एक है, सैलरीज एक, इंश्योरेंस एक, कैंटीन पे एक, दैट्स इट। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे एक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे एक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे फॉर हिडन एडजस्टमेंट। यस गरी सर, इन अदर सब्सक्रिप्शंस कैन वी जस्ट डू द प्लस माइनस एंड गिव द नेट अमाउंट? नो, यू हैव टू शो बोथ रिसीवेबल आल्सो एंड रिसीव्ड इन एडवांस। यस बोलो मेक द एसी थोड़ा पावरफुल। चलो फटाफट ड्रॉ करो, व्हाट आर यू सपोज टू मेक इन द आंसर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 'In the books of Pathare Gymkhana' year ended is 31st March 07.
इधर पर्टिकुलर पर्टिकुलर मत लिखना, दिस इज एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर एंड इनकम. कम ऑन ड्रॉ. लेफ्ट हैंड साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड बैलेंस शीट. लेफ्ट हैंड साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड बैलेंस शीट. सो कैन यू रिपीट वेयर डज दिस डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस विल गो? पढ़ो ना, डोनेशन इज सपोज टू बी कैपिटलाइज, सो ऐड टू कैपिटल फंड. एंड एंट्रेंस फीस हाफ इज टू बी कैपिटलाइज, आधा ऐड टू कैपिटल फंड एंड आधा इनकम. चलो साथ में करते जाओ. स्टार्ट विद द पेमेंट साइड. वेरी फर्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग. वेयर डू यू पुट लैंड एंड बिल्डिंग? बाहर जाना. लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट. इज देयर एनी डॉट? व्हाट? स्टार्ट. लैंड एंड बिल्डिंग इज 24,500 लेस डेप्रिसिएशन. हर्ष डोंट टॉक. कितना है? 15%. कितना होता है ये? 2450 प्लस 1225 3675 आ रहा है क्या? 24 माइनस 3 20,825 आ रहा है ये. देन व्हाट अबाउट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस? व्हाट विल यू डू विद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस? लेस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड. टूर्नामेंट फंड हर साल बनाने वाले हो कि नहीं? नहीं. रेयर आइटम. कितने का बनाया? 1500 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस. कितना है? 1100. 400 बच गया, वो पड़ा रहने दो. अगला टूर्नामेंट आएगा, 4-5 साल बाद तक वापरेंगे यहाँ, तब तक उसमें रहने दो. आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग में रिपब्लिक डे फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन कुछ करता रहेगा तो आपसे मंगवाया रहेगा कुछ पैसा. पर मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट 500, 700, 800. वो जमा करके रखता है ना, उसमें जो खर्चा हो जाता है उसी में से निकालता है. फिर जो पड़ा रहेगा वो नेक्स्ट ईयर जब आएगा वो फंक्शन, नेक्स्ट टाइम जब करना रहेगा तभी उधर से निकालेगा. ऐसा है. तुमको झोल देखने का ना तो तुम्हारा बिल्डिंग का अकाउंट चेक करना. सेक्रेटरी, हर एक बिल्डिंग का सेक्रेटरी निकालता ही है पैसा. 50,000, 1,00,000 जितना बड़ा बिल्डिंग, साल का जो भी मेंटेनेंस आता है खर्चा दिखा के खुद का जेब भरते ही रहता है. कोई ईमानदार ऐसा लोग रहेगा? सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरमैन, दे आर द मेन पीपल हु सिफन ऑफ द मनी आउट ऑफ द बिल्डिंग फंड तुम्हारा मेंटेनेंस में से. ओके, करते ही है. सैलरी नहीं रहता उनका, रेम्यूनरेशन रहता है थोड़ा सा फॉर दैट सर्विस. दैट इज लीगल. वो तो लेता ही है, वो तो अकाउंट्स में भी दिखाएगा. उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल तुमसे पेंटिंग, बिल्डिंग को पेंट करवाने का पैसा लिया, बिल्डिंग को पेंट करवाने का पैसा लिया, 10 लाख रुपया ले लिया सबसे, मतलब मिला के, और पेंटर को दिया, बोला 8 लाख में हो जाएगा तेरा काम, मेरे को 2 लाख का फेक बिल बना के दे दे. बना के दे देगा, उसको दे देगा 8 लाख, ऊपर से 10-20 हजार खाने को दे देगा, ऊपर का 1,80,000 खुद रख लेगा. इज दिस क्लियर? तुमको बताने के लिए फेक बिल्स बता देगा. सो अंदर जाके ऑडिट वॉडिट चेक करोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहेगा ना, तुम लोग भी अगर थोड़ा करने का झोल बोल लो, स्क्रूटिनी उटिनी में चेक वेक करके जा सकता है, कर सकता है रिसर्च वगैरह, बट नोबडी डज दैट साइड. चलो, मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स हैपेंस, दिस हैपेंस. कम ऑन. लैंड एंड बिल्डिंग, टूर्नामेंट एक्सपेंस, फर्नीचर. किधर जाएगा फर्नीचर? एसेट. 1500. इज देयर एनी डॉट? कितना टका है? 150. 1350. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, विल यू ट्रीट देम एज एसेट और एक्सपेंस? 2 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज एज योर एक्सपेंस. और क्या है स्टॉक? मतलब क्या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्या करना है? बोलो. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सब्ट्रैक्ट. ये प्रीपेड है.
ये 1200 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज प्रीपेड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज प्रीपेड, नहीं स्टॉक बचा है ना वो एसेट है, अरे ये खर्चा है, खर्चा कितना हुआ 450 वो एक्सपेंस, समझा? तुम 1000 रुपए का पेंसिल लेके आया, 800 का यूज किया, 200 का पेंसिल बच गया, कब काम आएगा वो? तो 200 रुपया हुआ ना प्रीपेड, ये 800 प्रीपेड हुआ, 200 माइनस 200 और इधर एसेट में 200, आउटर कॉलम 800 दिखे, वैसे आउटर कॉलम यूज्ड एक्सपेंस, दैट इज 450, 750 बच गया, दैट इज स्टॉक, स्टॉक मतलब बच गया ना, वो कब काम आएगा? नेक्स्ट ईयर, सो स्टॉक इज एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। देन सैलरीज, क्या करना है सैलरीज, व्हाट इज द डॉट? मैं जब एक्सप्लेन कर रहा है तब तू सुनता क्यों नहीं है? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड कैंटिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट 750, इसका मतलब उतना स्टॉक बच गया, स्टॉक इज वैल्यूड मतलब उतना स्टॉक बच गया, 1000 रुपए का पेंसिल लिया, 200 रुपए का बच गया, तो खर्चा कितना हुआ? 800। तो इधर आउटर कॉलम क्या दिखाते हो? एक्सपेंस, तो 1000 माइनस 200 800 ऐसा दिखाओगे ना, तो 1200 का पैड स्टंप ग्लव्स लिया, उसमें से 750 का बच गया, स्टॉक इज वैल्यूड, तो खर्चा कितना हुआ, यूज कितना हुआ? 450। ये वापर लिया, फट गया, यूज हो गया, गॉन, तो बचा कितना? ये 750 किधर जाएगा? एसेट में। ये कहां का एक्सपेंस बन के आएगा? अभी ये 750 कौन से साल का एक्सपेंस है? नेक्स्ट ईयर का। सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर? जैसे आप करते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक, वही है ये, क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, तब खर्चे में जैसा यूज होएगा। डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक, वन मोर टाइम आई फाइंड एनीवन टॉकिंग विल बी आउट, स्पेशली हर्ष, निशांत, नीर एंड मेहता। चलो सैलरीज, क्या करने का है सैलरीज पे, क्या डॉट है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना, तो क्या करने का? कितना है? 175, 1375। देन इंश्योरेंस, इज देयर एनी डॉट ऑन इंश्योरेंस? क्या है? प्रीपेड, ऐड करना है कि लेस करना है? ये भी सेम ही है, आपने 120 प्रीमियम पे कर दिया, लेकिन उसमें से 30 रुपीज कौन सा है? नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर का कितना है? खाली 90। नेक्स्ट ईयर का ये साल को बिलोंग नहीं करता, तो हटाओ, ये बन जाएगा प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। नेक्स्ट कैंटीन एक्सपेंस, क्या दिया है? देखो कैंटीन एक्सपेंस का क्या डॉट है? स्टॉक है, उसपे भी स्टॉक है, दिख रहा है आपको कितने का स्टॉक है उसका? अभी मेरे को बताओ कितना माइनस करोगे? 400 ही माइनस करोगे, क्योंकि वो बच गया, वो ये साल में यूज नहीं हुआ, वो कब यूज होएगा? नेक्स्ट ईयर। कैंटीन का प्लेट, चम्मच, पेपर प्लेट, वो सब लेके आया था तुम, उसमें से 400 रुपए का बच गया, वो नेक्स्ट ईयर वापरोगे, तो हटाओ यहाँ से। प्रीपेड कैंटीन, प्रीपेड कैंटीन लिखो या कैंटीन स्टॉक लिखो, एक ही बात, स्टॉक या प्रीपेड इज वन एंड द सेम थिंग। कितना है ये? 400 रुपया माइनस, बचा 1100। इट इज इट क्लियर? घर वालों को समझ रहा है? प्रीपेड कैंटीन एंड स्टॉक, प्रीपेड स्पोर्ट्स मटेरियल एंड स्टॉक, बोथ आर सेम। जनरल एक्सपेंस, इज देयर एनी डॉट ऑन जनरल एक्सपेंस? नो डॉट, सो आउटर कॉलम दैट इज 1685। व्हाट आर, वेयर डू यू पुट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? एसेट्स। कितना आएगा? 6000। क्या डॉट करना है इस पे, क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देखो ये रहा, कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? 120। चैत्य, इज दिस इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल? रिसीवेबल, समझ में आया? आउटस्टैंडिंग टर्म देख के कंफ्यूज नहीं होना, पेएबल भी हो सकता है, रिसीवेबल, इनकम है तो रिसीवेबल, एक्सपेंस है तो पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डन। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक बैलेंस।
इतना बैंक बैलेंस पड़ा था आपके एंड पे, तो बैंक बैलेंस कितना है 1800 और कैश बैलेंस कितना है 220, ये क्लोजिंग वाला। इतना एसेट बच गया अपना, ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, अभी ओपनिंग वापस कुछ आ जाए कैश आएगा, कुछ कैश जाएगा, वापस जो क्लोजिंग बचेगा वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट में जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैश ऑन एंड ओपनिंग बैलेंस इज नील इंडिकेट्स दिस इज द फर्स्ट ईयर, राइट। डोनेशंस क्या करने को बोला है अपने को, फुल्ली कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड शुरुआत में कुछ होगा कैपिटल फंड नील होगा, क्योंकि पहला दिन पहला साल है ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डोनेशन कैपिटलाइज 25,000, ये वन टाइम है। ये डोनेशन का पैसा किधर वापरा गया होगा, एसेट्स में, एसेट्स खरीदने में, लॉन्ग टर्म है वो, बराबर है। एंट्रेंस फीस देखो आधा करना है, तो हाउ टू प्रेजेंट इट नाउ, ध्यान से देखो, कल भी बताया था लास्ट लेक्चर, इधर पहले लिखने का पूरा एंट्रेंस फीस, हाउ मच इज एंट्रेंस फीस 5,000, फिर आधा माइनस करने का लेस कैपिटलाइज, कितना हाफ 2,500, आउटर कॉलम 2,500, और इधर ऐड करके दिखाने का एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में 2,500। पहले फाइव लिखो 2,500, आधा निकालो इधर आधा और इधर आधा 2,500, ओके। प्रेजेंट इट इन द सेम वे लाइक आई हैव शोन यू, ओके। नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फीस के बाद यू हैव टूर्नामेंट फंड, ये यहां लिख दिया है। सब्सक्रिप्शंस बाय सब्सक्रिप्शंस कितना 2,200, व्हाट आर द टू डॉट्स, नंबर वन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल 450, आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल मिलना बाकी है, एंड सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, रिसीव्ड इन एडवांस 125, कितना आता है ये 2,525। Then you show canteen receipts. Is there any dot on canteen receipts? Check. है कुछ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इज देयर एनी डॉट ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एनी डॉट, व्हाट एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 120 है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 120, सो आउटर कॉलम दैट वुड बी 240, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो ऐड कर दो उस पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड, देन व्हाट नेक्स्ट वी हैव इज क्रिकेट डिपार्टमेंट फीस, एनी डॉट ऑन दैट, क्रिकेट डिपार्टमेंट फीस नो डॉट 1705, लाइफ मेंबरशिप फीस व्हाट आर वी सपोज टू डू, पूरा का पूरा कैपिटलाइज, तो पूरा का पूरा ऐड टू कैपिटल फंड कितना 4,000, कैपिटलाइज मतलब ऐड टू कैपिटल फंड 4,000 दिया है एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ो पॉइंट डी, कैपिटलाइज डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस एंड 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, यस। 50% कैपिटलाइज और 50% रेवेन्यू का मतलब थोड़ा अभी आपने एंट्रेंस मतलब शुरुआत में भरना है, एंट्री पे भरना है, तो फिक्स नहीं रखा है कि भाई एंट्री बंद एक बार लेके एंट्री बंद, ऐसा नहीं है, थोड़ा अभी भरो और थोड़ा कंटिन्यू ईयर्स में आ भी रहा है। सपोज तेरा एंट्रेंस फीस है 50,000, तेरे को बोला 25,000 अभी भर और 25,000 डिस्ट्रीब्यूट करके भर साल दर साल, ऐसा 100 मेंबर है सबको जो भी आ रहा है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, उसको बोल रहे हैं 25,000 वन टाइम भर, 25,000 डिवाइड करके भर ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर, ऐसा समझा, तो थोड़ा लमसम में ले रहा है आधा पैसा और आधा पैसा डिवाइड करके ले, तो दैट्स व्हाई यू हैव डिवाइडेड इट, हाफ एंट्रेंस फीस इनकम एंड हाफ कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस का ऐसा नहीं है, तेरे को लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम ही भर और उसके बाद कुछ भरने की जरूरत नहीं, और उसके बाद आने वाला भी नहीं है लाइफ मेंबरशिप, तो खाली इंट्रोडक्टरी ऑफर रखा रहेगा,
उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस कभी आएगा वन टाइम खत्म, एक्स्ट्रा कैपिटल हेड टू कैपिटल। सर और अगर कैपिटल स्पेंड करने कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप बोला तो है वो जीएसी सैट जी एसएडीजी वो क्या है, वो रेवेन्यू है, इसको छोड़ के कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस कुछ नहीं दिया कैपिटलाइज, लेगेसी कुछ नहीं दिया है कैपिटलाइज, खाली चार ही आइटम के बारे में कुछ नहीं दिया तो इनकम, बाकी कैपिटलाइज ही करना है। कम टू द एडजस्टमेंट्स नाउ, आएगा सम के साथ आएगा, डोंट वरी। सब्सक्रिप्शंस 450 आर आउटस्टैंडिंग, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वन इज एड राइट, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट एसेट, ये बाकी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 450, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है। ये 450 कौन से साल की इनकम है, इस साल की इनकम, इस साल की इनकम, इसके लिए ऐड कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे। क्या ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, लेकिन पैसे कब आएंगे, नेक्स्ट ईयर के कौन से अकाउंट में दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर की रिसीट पे, नेक्स्ट ईयर का रिसीट में भी दिखेगा ना, कैश अकाउंट में दिखेगा ना, क्योंकि पैसा कब मिलेगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन इनकम कौन से साल की है, करंट ईयर। तो करंट ईयर की इनकम में आ गए, क्या करंट नेक्स्ट ईयर की इनकम में दिखेगी, रिसीट पेमेंट में दिखेगी लेकिन इनकम में नहीं दिखेगी। ओके फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या करना है 125 लेस तो किया एंड लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड नहीं होता है, प्री रिसीव एक्सपेंस नहीं है, इनकम है प्री रिसीव्ड। मुझे बताओ ये 125 कौन से साल का इनकम, लेकिन पैसा कब आ गया, इसलिए माइनस करके इधर डाल दिया, इनकम नेक्स्ट ईयर की है बराबर है, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम में दिखाओगे, बट पैसे आएंगे क्या नेक्स्ट ईयर, पैसे नहीं आएंगे, रिसीवेबल के पैसे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे लेकिन इनकम ये साल की है, रिसीव इन एडवांस के पैसे ये साल आ गए लेकिन इनकम, समझ में आ रहा है दोनों चीज, बोलो क्या पूछ रहा था ये, नहीं नहीं वो फंड में ही पड़ा रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब टूर्नामेंट होगा तब टूर्नामेंट के लिए यूज किया जाए, इनकम नहीं, इररेगुलर है ना, इनकम में दिखाओगे तो वापस कंपैरिजन हैम्पर हो जाएगा साल दर साल का, एक साल दिखेगी हर साल दिखने वाली, इधर ही पड़ा, जब नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा तब यूज करेगा, अभी बता ना फंक्शन रिपब्लिक डे का लिया बच गया, नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा तब यूज करेगा, प्रॉफिट नहीं सरप्लस फ्लक्चुएट हो जाएगा, आप सरप्लस डेफिसिट कंपेयर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हाँ मतलब रिपब्लिक हुआ या फिर कोई समझो कोई नेता ऐसा एमएलए आया है समझो सोसाइटी में, उसका फंक्शन किया, अभी वो एमएलए दो चार साल में एक बार विजिट करके जाता है वैसा फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन में यूज करेगा। देन नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन क्लियर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कौन सी सैलरी है बता सकते हो, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, दिया कितना है 1200, देना कितना है 175, टोटल है 1375, ये देनी ये एक्सपेंस कौन से साल का है, ये दिखा दिया ऐड करके, क्या ये नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में दिखाओगे, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में दिखाओगे, लेकिन पे कब करोगे, तो नेक्स्ट ईयर के कौन से अकाउंट में दिखेगा, रिसीट पेमेंट में दिखेगा, कैश में दिखेगा, क्योंकि पैसा कब जाएगा इसका, लेकिन एक्सपेंस कौन से साल का है, इस साल पैसा जाएगा नेक्स्ट ईयर लेकिन एक्सपेंस है ये साल। नेक्स्ट वाला पढ़ो, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 30 रुपीज, क्या किया प्रीपेड लेस फ्रॉम एंड ये क्या है, प्रीपेड का मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर का अभी दे दिया तो पैसा दे दिया है लेकिन एक्सपेंस अगले साल का एक्सपेंस है, ये इस साल का एक्सपेंस, इसलिए हटाया यहां से और एसेट में डाल दिया, ये 30 कौन से ईयर का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में दिखेगा
दिखेगा ही दिखेगा, बट क्या नेक्स्ट ईयर के रिसीट पेमेंट में दिखेगा? क्या ये 30 रुपए आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे वापस? क्यों? ये तो कर दिया है पैसा, समझ में आ रहा है? रिलेशन दोनों का, जैसे इनकम में था ना रिसीवेबल रिसीव इन एडवांस, जैसे एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। नेक्स्ट ईयर कैश सिर्फ आप 60 दो, लेकिन एक्सपेंस कितना दिखेगा? 90। समझा? ये ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो एनपीओ के आप राजा हो। ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कंसेप्ट लास्ट ईयर और करंट ईयर का समझ में आ गया तो आपको, क्योंकि मेजर चीज यही है, यही कोर कंसेप्ट है एनपीओ का। करंट ईयर का जो रिसीवेबल है ये 450, करंट ईयर की इनकम है, लेकिन पैसा कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। 125 पैसा ये साल मिल गया, लेकिन इनकम कौन सी है? नेक्स्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम सॉरी एक्सपेंस ये साल गया, लेकिन पैसा कब दोगे? नेक्स्ट ईयर। प्रीपेड पैसा ये साल दिया, लेकिन एक्सपेंस कौन से साल का है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, रिसीट पेमेंट बनाएंगे, तब उसमें दिखेगा अकॉर्डिंगली। कैपिटलाइज डोनेशन लाइफ मेंबरशिप एंट्री हमने कर लिया है, ऑलरेडी डन। स्पोर्ट्स मटेरियल कैंटीन स्टॉक प्रीपेड, स्टॉक मतलब प्रीपेड, क्या करना है? प्रीपेड लेस फ्रॉम स्टॉक, लेस फ्रॉम कैंटीन एंड स्पोर्ट्स, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट, स्टॉक ऑफ कैंटीन दैट इज 400 एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज, ये बताओ ये दोनों क्या है? स्टॉक का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? दे आर प्रीपेड, ज्यादा पे कर दिया। कौन से साल का एक्सपेंस है? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 750, स्टॉक ऑफ कैंटीन इज 400, बराबर बच गया ना इतना, बराबर है। ये कौन से साल का एक्सपेंस है? 400 और 750 नेक्स्ट ईयर का, लेकिन पैसा इस साल दे दिया, क्या वापस चुकाओगे नेक्स्ट ईयर? लेकिन एक्सपेंस में दिखाओगे जरूर। कौन से एक्सपेंस में दिखेगा? नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में। ये साल का एक्सपेंस माइनस कर दिया। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन, क्या करना है? लेस फ्रॉम एसेट हो चुका है, सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है? 3675, फर्नीचर पे है 150, 3825, आई थिंक ऑल द एडजस्ट। अच्छा हिडन एडजस्टमेंट एक बाकी था, बट आई थिंक उसका भी दोनों इफेक्ट क्या दिया है? देखो रिसीवेबल था इंटरेस्ट, ये रहा एड एंड एसेट्स, ये रहा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिसीवेबल? कौन से साल की इनकम है, लेकिन पैसे कब मिलेंगे? तो क्या नेक्स्ट ईयर की इनकम में वापस दिखाओगे? नेक्स्ट ईयर की इनकम में दिखाने वाले नहीं, इस साल की इनकम में दिखा दे। समझ में आया? डबल अकाउंटिंग किधर नहीं होगा, पैसा भी एक बार आएगा, इनकम भी एक बार दिखेगा, एक्सपेंस भी एक बार ही दिखेगा, लेकिन आगे पीछे आगे पीछे। ये कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है कैश रूल्स, पैसा आया पैसा गया, और इनकम एक्सपेंडिचर फॉलो कर रहा है अक्रूवल ऑन एंड इनकम। ओके चलो फाइंड आउट योर सरप्लस और डेफिसिट टोटल करो। टोटल 8525 और डेफिसिट आ रहा है कितने का? बाय डेफिसिट, डोंट राइट बाय लॉस, या फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दिस इज ऑप्शनल। डेफिसिट है तो क्या करोगे? प्लस की माइनस, कैश भी घट गया और सामने आपका सर 275 आ रहा है ना ये, और 31245 एंड टैलीज ऑन, दोनों साइड चेक किया 31945। ड्रॉ द थर्ड सम, मार्क फॉर द थर्ड सम पहले, दिस इज 12 मार्क्स कंपल्सरी क्वेश्चन, कंपल्सरी। चलो एक पेंसिल, अरे
सेमेस्टर का डेट इज टेंटेटिवली 11th और 12th ऑफ सितंबर, एक दो दिन में आ जाएगा. ऑल सिक्स चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स, बीओई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसऑर्डर. 75 मार्क्स, 2.5 आवर्स, लिटिल एंजल अपना एसवीडीडी स्कूल. कंपल्सरी क्वेश्चंस होगा, नो ऑप्शंस. ओके, नो ऑप्शन. योर यू विल हैव स्टार्टिंग विथ फाइनल अकाउंट्स. ओके, फाइनल अकाउंट्स आपको मार्क्स पैटर्न सब दे दूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव सब दे दूंगा. बीओई, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, वन वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, वन प्रोफोर्मा एंड रेस्ट वुड बी ऑब्जेक्टिव. ओके We'll tell you 10, 15 sub pattern, sub sector. Tell you. Two and a half. Yeah. Sir, the vaccine has been removed. What has been removed? There is a exchange. Are I told you na, they have removed it, but it is there in the pattern of board. So, BOE or dissolution mein se ek attempt karna hai tumhe. कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा, दैट वे दे रिड्यूस द सिलेबस, बट इन बोर्ड पेपर दे विल आस्क. ऑप्शंस मिलेंगे? नो ऑप्शंस, ऑल कंपलसरी. या सर, दे सेड दैट दे वोंट आस्क बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन बोर्ड्स. अरे बेटा, बोर्ड्स में ऑप्शन में पूछेगा वो लोग, पैटर्न में तो बोर्ड का पैटर्न आया ही नहीं है, लास्ट ईयर का दिया. उनको फॉर्म निकाल देगा तो मैं भी निकाल दूंगा बाबा, मेरे को जबरदस्ती पढ़ाने का कुछ नहीं, बट अभी तक कुछ कंफर्मेशन आया नहीं. What? Sum number three, please mark down. पहले मार्क करो भाई, बाद में टाइम दूंगा ड्रॉ करने का. Come on, payment side, special fund expenses. Do you find any special fund on the receipt side? Yes. क्या करने का बोलो fund? Special fund. Fund दिखा ना, fund boss, fund, fund receipt. ये देखा ना fund. Liability और expense वहीं से minus. स्पेशल फंड दिख रहा है, गवर्नर्स पार्टी, गवर्नर का कोई पार्टी वार्टी रखा रहेगा, हर साल पार्टी होने वाला, तो फंड आया, कलेक्ट किया और उसका खर्चा उधर से ही माइनस बचा. अगर कुछ फंड बचा तो नेक्स्ट पार्ट कभी तो यूज होएगा. एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल वापस आया, ध्यान से पढ़ो, डेप्री या सेल दिया है कि नहीं, स्टॉक दिया है वापस, ये समझे जैसा ही है, तो क्या हो गया एक्सपेंस. बार परचेज एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस, सैलरीज, एक्सपेंस. पहला वाला स्पेशल फंड एक्सपेंस, एक्सपेंस में नहीं डालना, लेस फ्रॉम स्पेशल फंड करना. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिलियर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंस, फर्नीचर, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट, इन्वेस्टमेंट, एसेट, बैंक कैश, एसेट. एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या एंट्रेंस फीस? इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, प्रीमियम हर साल पे करते हो एकदम. लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट पॉइंट, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज, मतलब आधा रेवेन्यू आधा कैपिटलाइज, और होल अमाउंट ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज. गॉट इट? तो एंट्रेंस फीस आधा कैपिटल फंड, आधा इनकम, हाफ इनकम हाफ कैपिटल फंड. स्पेशल फंड रिसीट, स्पेशल फंड किधर डालने का? लाइबिलिटी. सब्सक्रिप्शन किधर डालने का? जिंदगी में कभी सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में नहीं जाने वाला, सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज इनकम, आरआर, रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बार रिसीट, मिसलेनियस रिसीट, डोनेशन. क्या बोला है पीछे देखो, कंप्लीटली कैपिटलाइज, एड टू कैपिटल फंड, बिलियर्ड फीस, कम टू द एडजस्टमेंट. Subscription includes 250 for the year 2008, which is the current year, 2007, right? 2008 का अभी मिल गया, मतलब वो क्या है? Pre-receive, बेटा, English. Expense होता है prepaid, income होती है pre, समझा? Pre-received या फिर received in advance. क्या करोगे received in advance? Minus from सब्सक्रिप्शन एंड लाइबिलिटी. ये सब में भी था ना. अब सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग. अब बताओ, इज इट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की आउटस्टैंडिंग इनकम? क्या करने का आउटस्टैंडिंग इनकम? एड टू सब्सक्रिप्शन एंड
एसेट. इज दिस क्लियर? एक रिसीवेबल है, एक प्री रिसीव. ये सब में भी था वैसा ही है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड. अक्रूड, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग. अभी अक्रूड मतलब कैसा आउटस्टैंडिंग, कौन सा आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल की पेएबल? तो रिसीवेबल. अक्रूड मतलब रिसीवेबल, अक्रूड मतलब रिसीवेबल. उधर चाहिए तो लिख लो अंडरलाइन करके, रिसीवेबल. अक्रूड मंजे रिसीवेबल, जमा हो गया. क्या करोगे? अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, रिसीवेबल, एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट. अभी ये सब में भी था रिसीवेबल, हिडन एडजस्टमेंट. सैलरीज अनपेड. अनपेड मंजे आउटस्टैंडिंग पेएबल. क्या करने का? एड टू सैलरी एंड लाइबिलिटी. बराबर है. इंश्योरेंस प्रीपेड. क्या करने का? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बार स्टॉक आर 1500 and 800. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? माइनस. लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स, लेस फ्रॉम बार एंड एसेट. स्टॉक का मतलब समझा? व्हाट इज स्टॉक? प्रीपेड. स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक. बच गया, नेक्स्ट ईयर काम आएगा. बराबर, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस. माइनस एन एसेट. फर्नीचर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन. क्या करने का? हेलो, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? और एंट्रेंस डोनेशन तो हमने देख लिया है. डू यू हैव एनी हिडन एडजस्टमेंट्स? पुट द डॉट्स क्विकली. सब्सक्रिप्शन हाउ मेनी डॉट्स? टू डॉट्स डालो. सब्सक्रिप्शन दो डॉट. इंटरेस्ट अक्रूड एक एक जाओ. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिख रहा है? अक्रूड है. रिसीवेबल है, वन डॉट. सैलरी दिखा है? सैलरी, सैलरी वन डॉट. और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वन डॉट. वन मिनट. इंश्योरेंस दिख रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम वन डॉट. देन स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बार. स्पोर्ट्स मटेरियल पे एक डॉट, बार पे एक डॉट मिला. देन फर्नीचर और बिल्डिंग पे डेप्री है. फर्नीचर और बिल्डिंग पे एक एक डॉट, फर्नीचर और बिल्डिंग पे एक एक डॉट. उसके बाद एंट्रेंस फीस और डोनेशन है. एंट्रेंस फीस पे एक डॉट, डोनेशन पे एक डॉट. एंट्रेंस फीस एक डॉट, डोनेशन एक. आई रिपीट द डॉट्स. एंट्रेंस फीस वन, सब्सक्रिप्शन टू डॉट्स, इंटरेस्ट वन, डोनेशन वन, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वन, बार परचेज वन, सैलरी इज वन, इंश्योरेंस प्रीमियम वन, लैंड एंड बिल्डिंग वन, फर्नीचर वन. इज दिस क्लियर? ट्राई कर रहे हो खुद से? सिमिलर सम है, अभी जैसा ही है. ट्राई करो, कम ऑन. आई विल सॉल्व इट, यू चेक इट फास्ट. कम ऑन, डू इट क्विक. डू इट, डू इट, डू इट. खुद से करो. थोड़ा अभी बड़ा बड़ा लेक्चर्स रहेगा, दो दो घंटे का. मैं आपको टाइम भी डाला है ग्रुप में, 9:30 to 11:30 एंड 2 to 4. ओके, एवरी डे इट विल बी लाइक दैट ओनली. आज भी है, डाला है था, कल ही डाला था, कल रात को डाला था ग्रुप में भाई. आफ्टर दिस वन मोर क्विक, फटाफट. टाइमिंग फॉर दिस टाइप विल बी 20 मिनट्स. इतना साइज का 20 मिनट्स, बड़ा सम जाएगा तो 30 मिनट्स. वेरी स्मॉल, डू इट. ये ऐसा आएगा नहीं, ये बहुत सिंपल है. एनपीओ ऐसा ही नहीं है भाई. चलो, यस, कम ऑन, डू इट. वन मोर सम आफ्टर दिस, फटाफट करो. पेमेंट से शुरू करो. डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी, सेकंड इफेक्ट एट दी एंड. कर
हो सकता है ना, अगर लास्ट ईयर से कंटिन्यू हो रहा है तो ये साल का ये क्लोजिंग है ना, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ये सब ये साल के क्लोजिंग है, ये नेक्स्ट ईयर के बन जाएंगे सर। स्पेशल फंड रिसीट्स दिया है तो फिर इट शुड कम इन इनकम ना? नो, खाली रिसीट, स्पेशल रिसीट, ओनली स्पोर्ट्स मीट रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट, फंड दिखा ना, फंड या फंड रिसीट, दैट इज लायबिलिटी, वन टाइम फंड इज प्रायोरिटी, फंड दिया या फंड रिसीट्स दिया है डजंट मैटर, सेम फंड है तो लायबिलिटी एंड एक्सपेंस वहीं से ना, फंड वर्ड नहीं है, फंड नहीं है, खाली रिसीट है तो फिर इनकम एंड एक्सपेंस। सर एक्चुअली काले इवनिंग आपको आनू छे ने सीए फाउंडेशन नवंबर 22 5:30 टू 8:30 मेना थी पहला आई विल बी एट हॉस्पिटल फॉलोअप छे बधु डैड नो ना मॉर्निंग आई हैव एफआईजीसी ने सो वी कैन कीप इट ऑन वेडनेसडे इफ पॉसिबल। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो बोलो मैडम। ओके बराबर थोड़ी रिकॉर्ड नहीं था एडजस्ट नहीं ऑनलाइन मैनेज करव पड़े एम ठीक हाँ बराबर मैम हूँ लेते जी आया जगह नहीं पी फूल बराबर के पर्संटेज तो शू लीधु हमें कॉलेज में एमबीसी लीधु मीठी भाई मड़ी गयो ने लई लीधु ने गुजराती ठीक है भले ये हमें
તમને લિંક આવશે ઈમેલ પર, ત્યાં તમે ભરી દેજો કોલેજમાં. એક બે દિવસ મળશે તમને, લગભગ આજે નહીં તો કાલ સુધી હશે એવું કઈ હશે. હા તો આજે ભરી નાખજો, ભલે વાંધો નહીં. તો તમે બરાબર બરાબર ઓકે ઓકે ઓકે, મને વાંધો નહીં. તમે આવીને મળી શકશો મને આજે હમણાં 11:30, 11:45, 11:30 હા હા ક્લાસમાં આવી જાઓ તમે. નહીં તો પછી હલો 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 મેડમ, હું તમને બધી ફી સ્ટ્રક્ચર ને ડિટેલ મોકલાવી દઉં છું મેસેજ પર, અને તમે જરૂરત નથી પછી, જરૂરત નથી, હું તમને વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરી. ભલે ભલે, શ્યોર શ્યોર શ્યોર, આઈ ટ્રાય. યસ યસ યસ, નો પ્રોબ્લમ નો પ્રોબ્લમ નો પ્રોબ્લમ નો પ્રોબ્લમ. ઓકે, સેન્ડ કરું છું, સેન્ડ કરું છું. થોડો લેક્ચરમાં છું, અડધા કલાકમાં. હા બધું બધું, ટાઈમ ને નોટ્સ ને બધું, એવરીથિંગ આઈ સેન્ડ. ઓકે, સેન્ડ કરું છું. હા હલો હલો, બોલો બરગી. ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ધેટ વી આર ગિવન ધ એડજસ્ટમેન્ટ, so we can also put it in interest on security, right? ha wahi to hai bhaiya, interest because interest jo adjustment mein na interest accrued, that is interest on securities, alag interest nahi hai, ek hi hai. but there is insurance premium also, so on that also we can get there. insurance pe how can you get interest? are no no sorry. આ રહે ક્યા પ્રોબ્લેમ આ રહે? યસ યસ, રોંગ છે બરાબર, રહી ગયું તારું, એમાંથી તારું બધું કેપિટલ બેલેન્સ ને બધું રોંગ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ યુ કેન રાઇટ, યસ યસ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ લખતો ને, આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન ઇન્કમ યુ કેન રાઇટ. Outstanding is a common word, can be used for both. सर अगर प्रॉफिट आ रहा रहेगा तो फिर टू क्या लिखने का? सरप्लस. ओके थैंक यू. Thank you.
प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग है. Outstanding belongs to this year. Prepaid belongs to next year. फाइनल अकाउंट ही तो है ये, फाइनल अकाउंट ही है. खाली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्लस आ रहा है 6080 बराबर. फाइव नाइन एट जीरो आ रहा है क्या? 5980 है घर वाले सरप्लस. बोलो टोटल 16540 सरप्लस ऑफ 5980
80 सरप्लस है तो क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फंड वुड बी नील एज दिस इज द फर्स्ट ईयर टोटल 68 980 70 70 380 हाँ, दिस इज फाइनल अकाउंट ओनली, नथिंग डिफरेंट. खाली फाइनल अकाउंट का मोटिव इज डिफरेंट. प्रॉफिट मोटिव के जगह कौन सा कर रहे हैं हम लोग, सर्विस मोटिव. बाकी कुछ नहीं है, फाइनल अकाउंट्स ही है जो नॉर्मल बिजनेस का होता है, ये एनपीओ का. डोंट कॉपी, ट्राई इट ऑन योर ओन. सर यू हैवंट रिटन बार स्टॉक. हाँ, बार स्टॉक एंड स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक. चेक. खाली सम्स करके मतलब नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन. पैसा आया, डोनेशन आया, डोनेशन से बिल्डिंग विल्डिंग लिया, देन एक्सपेंस इनकम. ओके, कर लो फटाफट करो. सर आई हैड अ डाउट. बोलो. सर इफ समवन मेड अ टूर्नामेंट फंड बट द एक्सपेंसेस फॉर द टूर्नामेंट वर मोर देन हाउ मच मनी देयर वाज. हां तो एक्सपेंस, एक्स्ट्रा वाला एक्सपेंस. ₹1000 का फंड है और 1200 एक्सपेंस हो गया, इधर 1000 माइनस 1000 नील और ₹200 इधर. ओके, नहीं नहीं अरे हाँ भाई, तो एक ही इन्वेस्टमेंट है ना इधर. एक मिनट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ऑन सिक्योरिटीज, तो एक इफेक्ट ऐड टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. दूसरा इफेक्ट एसेट्स. एसेट्स में क्या करते हो आप, इन्वेस्टमेंट में ऐड. और कोई इन्वेस्टमेंट है, एक ही इन्वेस्टमेंट है ना, तो वही तो है सिक्योरिटीज. अलग से दिखाया तो भी चलेगा, बट लॉजिक समझा. एक ही इंटरेस्ट है और एक ही इन्वेस्टमेंट है तो उसी का है वो, और कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट थोड़ी है बिजनेस में. है क्या कुछ और सिक्योरिटीज दिख रहा है, एक ही है ये इन्वेस्टमेंट वाला, वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हो. अलग से दिखाया तो भी चले, समझा. या व्हाट आर यू आस्किंग वरुण, पूछ रहा था. नो सर, इट गॉट क्लियर. क्लियर गाइस, डिड यू गेट द लॉजिक बिहाइंड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीवेबल एंड रिसीव इन एडवांस. वंस अगेन यू टेल मी नाउ, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम कौन से साल का है, इस साल का. इसके लिए ऐड किया रिसीवेबल, लेकिन पैसा कब मिलेगा, तो कौन से अकाउंट में दिखेगा नेक्स्ट ईयर में. कैश बैंक, रिसीट एंड पेमेंट. क्या नेक्स्ट ईयर के इनकम में इसको वापस दिखाओगे 900 को. अच्छा, रिसीव्ड इन एडवांस 250, रिसीव्ड इन एडवांस. पैसा किस साल मिल गया, लेकिन इनकम, तो नेक्स्ट ईयर का कौन से अकाउंट में दिखेगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम साइड दिखेगा कितना, 250. क्या नेक्स्ट ईयर का रिसीट पेमेंट में दिखेगा, नहीं. ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है, कौन से साल का एक्सपेंस है, करंट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन पैसा अगले साल देंगे, तो अगले साल के कौन से अकाउंट में दिखेगा, कैश बैंक, रिसीट एंड पेमेंट. क्या नेक्स्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, नहीं. ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कौन से साल का एक्सपेंस है, 60 रुपीज नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस ऑफ, लेकिन पैसा कब चुका दिया, ये साल चुका दिया. तो क्या नेक्स्ट ईयर का रिसीट पेमेंट में दिखेगा ये 60, नहीं. तो कहां दिखेगा नेक्स्ट ईयर का, कैश बैंक की रिसीट पेमेंट. कैश बैंक की रिसीट पेमेंट है भाई. तो क्या ये 60 रुपीज नेक्स्ट ईयर का रिसीट पेमेंट में दिखेगा,
क्यों नहीं दिखेगा नेक्स्ट ईयर का कैश बैंक रिसीट पेमेंट में क्यों नहीं दिखेगा? पैसा तो दे दिया है ये साल, तो कहाँ दिखेगा ये 60 नेक्स्ट ईयर का? एक्सपेंस में दिखेगा, एक्सपेंस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। इज दिस क्लियर? तो इन शॉर्ट, शॉर्टकट वे, इस साल का प्री रिसीव्ड इनकम और इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, और इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीवेबल नेक्स्ट ईयर का कैश बैंक में दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। समझ में आ रहा है? पक्का बोलो, घर वालों को आया आंसर्स? हरी हो रहा है? नेक्स्ट सम वी आर नॉट सॉल्विंग द एंटायर सम, आई एम जस्ट डूइंग द मार्किंग्स, वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस, वी आर डूइंग सम नंबर 4, सम नंबर 4। मुझे बताओ, डू यू हैव एनी ओपनिंग बैलेंस? नो, वेट, नॉट सम नंबर 4, वी आर डूइंग सम नंबर 5। सम नंबर 5, सम नंबर 5 सर, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, सो वेयर इट विल बी शोन इन द क्वेश्चन? इन द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल, वी विल कम अक्रॉस दोस टाइप्स, आई विल एक्सप्लेन। डोंट वरी, कैपिटल फंड का, कैश का, सबका आएगा। एवरी सम इज डिफरेंट, एंड तक तुमको नया नया चीज मिलेगा, देखते जाओ आराम से। फिफ्थ सम, डॉक्टर नरेंद्र, सुनो, फिफ्थ सम, डॉक्टर नरेंद्र कमेंस प्रैक्टिस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2007। ये देख के पता चलना चाहिए, दिस इज द अबे फर्स्ट ईयर, अप्रैल 07 से 31 मार्च 08, दिस इज द फर्स्ट ईयर। इज दिस क्लियर? और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरी एनपीओ। किसने किया है कमेंट्स? नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र, 11th में करते थे ना फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर। एक ही बंदा है, हजारों मेंबर्स, लेकिन वो चैरिटी पे काम कर रहा है। सिंगल बंदा इज डूइंग द वर्क विद चैरिटी। इज दिस क्लियर? खुद का ही पैसा लगाया है, थोड़ा फीस वीस लेता है, डॉक्टर है, लेकिन सस्ते भाव में इलाज करता है। फीस सस्ता लेता है, इलाज सस्ता नहीं करता, फीस सस्ता लेता है और जितना हो सके वो लोग का बेनिफिट के लिए यूज करता है। ऐसे भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, है प्रेजेंट डे में भी हैं, ओके, बहुत जगह पे हैं, जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं लेकिन सस्ते में, सस्ते प्राइस में पेशेंट्स का इलाज करते हैं, एनपीओ चलाते हैं, चैरिटेबल क्लिनिक्स वगैरह चलाते हैं, बहुत है। नाउ कमिंग टू दिस, तो ये सिंगल बंदा है, इसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है, पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? टू capital. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ये कैश अकाउंट है, तो कैश टू कैपिटल, याद है आप 11 में करते थे, कैश टू कैपिटल, एसेट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, तो ये यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? कैपिटल। तो ये भाई ने इस साल कितना मूड़ी लगाया, कितना पैसा लगाया? 10,000। वो 10,000 से क्या खरीदेगा? कुछ एसेट वैसेट खरीदेगा क्लिनिक के, फिर पेशेंट की फीस आएगी, फीस उसकी क्या बन जाएगी? इनकम, क्योंकि वो हर साल आने वाली है, और खर्चे सर्जरी, क्लिनिक्स, ड्रग्स, मेडिसिन, ओके, ड्रग्स मतलब मेडिसिन उसका मस्त एकदम सुनते ही हाई हो गया, एक्सपेंस, ड्रग्स, मेडिसिन, सर्जरी, ओके, वो सब का खर्चा, वो उसका एक्सपेंडिचर। नाउ कितने से चालू किया उसने कैपिटल? 10,000 से। इसलिए यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिखता है, क्या दिखता है? क्यों ऐसा? क्योंकि ये मल्टीपल मेंबर्स नहीं है, सिंगल सोल प्रोप्राइटर, लेकिन है चैरिटी, नॉन प्रॉफिट। कमिंग टू द एसेट पेमेंट साइड, फर्नीचर किधर जाएगा? एसेट। इक्विपमेंट बताया जाता है, जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट होता है उसको मशीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट, एसेट, इक्विपमेंट और एसेट। ड्रग्स एक्सपेंस, ड्रग्स एक्सपेंस, सैलरीज, ड्रग्स मतलब मेडिसिन और सैलरीज एक्सपेंस, आपका कंपाउंडर अनपाउंडर का सैलरी रहेगा, रेंट, क्लिनिक उसने खरीदा नहीं है तो उसका एक्सपेंस पे कर रहा है, कन्वेयंस, ट्रेन भाड़ा, बस भाड़ा, स्टेशनरी एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस, पीरियोडिकल्स, पढ़ा पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, आप सब्सक्राइब करते हो ना, डॉक्टर लोग को पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना पड़ता है, उनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं, दे आर एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स, सॉरी, ड्रग्स आर एसेट्स, ड्रग्स आर एक्सपेंस, ड्रग्स आर, ड्रग्स मतलब क्या? मेडिसिन,
मेडिसिन एक गोली रख के वो दो तीन साल तक चलाएगा क्या? फटाफट यूज होएगा ना. हॉस्पिटल के लिए ड्रग्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव. ओके, नो टू थॉट्स अबाउट ड्रग्स. मेडिसिन आर ऑलवेज ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल. लेस फ्रॉम कैपिटल, यहां पर ही ड्रॉइंग्स पॉसिबल है. और कहीं ड्रॉइंग्स पॉसिबल? एनजीओ जहां पे मेंबर्स लोग पैसा देते वहां पे कोई किसी को वापस रिटर्न करता नहीं. ये सोल प्रोप्राइटर है, अपना ही चैरिटी पे चला रहा है, तो कुछ पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ कर सकते हैं, खुद का पर्सनल यूज के लिए. एक ही बंदा पीरियोडिकल्स आर एन एक्सपेंस. पीरियोडिकल्स आर एक्सपेंस. पीरियोडिकल्स मतलब बताए ना, मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज पेपर्स. किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे ऐसा थप्पा मिलेगा आपको न्यूज पेपर मैगजीन का, देखा है? उसका पैसा कौन देता है? वो डॉक्टर देता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल्स. बराबर, उसका एक्सपेंस है वो. मंथली देते हो ना आप न्यूज पेपर वाले को उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा, दैट इज पीरियोडिकल्स का पैसा एक्सपेंस. ओके, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दैट इज एसेट. कैपिटल लायबिलिटी. ड्रॉइंग क्या करने का? कैपिटल में से माइनस. विजिट्स, विजिट्स मतलब इनकम. विजिट पे जाते हैं ना, फीस मिलता है पेशेंट का, दैट इज इज इनकम. सन्ड्री रिसीट इनकम, दवाई ववाई बेच के या फिर कुछ प्रमोट अमोट करके किसी को कुछ मिलता है मेडिसिन को, वो उसका एक्स्ट्रा इनकम, दैट इज अदर रिसीट. सन्ड्री रिसीट 200 वेयर टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट्स. इनकम रिसीवेबल एड टू विजिट एंड एसेट. इधर सब्सक्रिप्शन नहीं है, समझ में आया क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर है, डॉक्टर है तो इसका इनकम क्या है? फीस फ्रॉम पेशेंट, दैट इज विजिट्स. तो विजिट्स आर रिसीवेबल एंड वेयर टू बी रिसीव, रिसीवेबल. तो इनकम रिसीवेबल क्या करते हो? एड टू इनकम एंड एसेट. अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी. 60% ऑफ द कन्वेयंस इज फॉर प्राइवेट पर्पस. लेस फ्रॉम कन्वेयंस एंड लेस फ्रॉम कैपिटल, ये किया था हमने याद है 11 में भी. लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. ये प्राइवेट मतलब क्या हो गया? ड्रॉइंग. हेलो, जो गाड़ी वापरता है उसका पेट्रोल डीजल का जो खर्चा हुआ है वो 60% पर्सनल है, 40% ऑर्गेनाइजेशन का. ऑर्गेनाइजेशन में कितना दिखाने का? 40%, बाकी पर्सनल. पर्सनल यहाँ पे दिखने वाला नहीं है. बराबर है? तो लेस फ्रॉम कन्वेयंस एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. वैल्यू ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वॉज एस्टिमेटेड एट 1000, दैट इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. क्या करने का? लेस फ्रॉम ड्रग्स एंड एसेट. प्रीपेड है बेसिकली. वैल्यू ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड मतलब वो प्रीपेड है, इतना बच गया, कब काम आएगा? नेक्स्ट ईयर. डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर. गिव डॉट्स. विजिट्स वन डॉट, विजिट्स वन डॉट. सैलरीज वन, कन्वेयंस वन. सैलरीज वन, कन्वेयंस वन. ड्रग्स वन, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वन. फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वन और कैपिटल पे एक. विजिट्स पे बोला ना, हाँ कैपिटल पे दो. ड्रॉइंग्स भी और कन्वेयंस का भी. कैपिटल टू डॉट्स, विजिट्स वन, फर्नीचर वन, इक्विपमेंट वन, ड्रग्स वन, सैलरीज वन, कन्वेयंस वन. इज दिस क्लियर? विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. अभी गाड़ी बेसिक पे आ गया है, अभी इंटरमीडिएट पे जाएगा. हायर लेवल सम्स विद लास्ट ईयर डेटा. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, डू नॉट रिमेन एब्सेंट. फ्राइडे टाटा बाय, सी यू, टेक केयर. डाउट्स है तो रुको.